हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस लिंक के थ्रू जाके जीरोधा या फिर अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज शेयर के ऊपर। स्टॉक में आज हम लोगों को तकरीबन 9% का तेजी देखने को मिला। स्टॉक जो है 340 पॉइंट से भी ज़्यादा तेजी के साथ जो है 4157 रुपीज़ के लेवल पे क्लोज हुआ है। मॉर्निंग से ही देखेंगे गैप अप ओपन हुआ था, कि भी आज गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद से कंटिन्यूसली हम लोगों को इस स्टॉक में जो है आपको पूरा डे एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिला। और फाइनली स्टॉक जो है अपने हाइएस्ट लेवल पर ही क्लोज हुआ है। इस स्टॉक में अगर लास्ट वन ईयर से हम लोग बात करेंगे, तो लास्ट वन ईयर से नेगेटिव रिटर्न हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तकरीबन 1361 पॉइंट जो है इस स्टॉक ने लूज किया है, 24% नेगेटिव रिटर्न जो है इस स्टॉक ने यहां पे बना के दिया है वन ईयर में। लेकिन अगर हम लोग सिक्स मंथ की बात करेंगे, तो सिक्स मंथ में क्लियरली आपको दिख रहा है जो स्टॉक में नीचे के लेवल से एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है और अपने सिक्स मंथ के हाई पे यहाँ पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और सिक्स मंथ में स्टॉक ने 15% का पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया है। तो चलिए अब लेवल्स के ऊपर बात करते हैं, जो आपको कौन से लेवल के बाद इस स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज शेयर के ऊपर, सबसे पहले अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जो है ऑलरेडी आपको 2 वीक्स बिफोर हो चुका है। उससे पहले अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है 1000 के लेवल से स्टॉक जो है 6000 के लेवल तक गया था। तकरीबन 5000 पॉइंट का गेन जो है वन वे हम लोगों को देखने को मिला। फाइनली 2022 से आपको जनवरी मंथ से ही इस स्टॉक में करेक्शन दिखना स्टार्ट हुआ और यहाँ पे स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 50% करेक्ट हुआ। उसके बाद स्लो एंड स्टडी स्टॉक में रिकवरी आना स्टार्ट हुआ। फाइनली यहाँ पे अगर देखेंगे स्टॉक ने एक इम्पॉर्टेंट 4000 के लेवल को ब्रेक किया है। वीकली कैंडल नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि फ्राइडे के सेशन में क्लोज हो जाएगा। और अगर स्टॉक फ्राइडे के सेशन में भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है, तो फिर इस स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम हम लोगों को आता हुआ दिखेगा। यहाँ पे कि इस स्टॉक में हम लोगों का पहला टारगेट रहेगा 5100 का और दूसरा टारगेट जो है वो आपको ऑल टाइम हाई का रहेगा। लेकिन यहाँ पे एंट्री आपको कब लेना है? एंट्री आपको लेना है फ्राइडे के सेशन में 3 PM के बाद। इनफैक्ट 3:15 PM के बाद अगर स्टॉक यहाँ पे 4200 के अराउंड में ट्रेड कर रहा है या फिर उससे ऊपर के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तभी हम लोग यहाँ पे आपको पोजीशन बनाएंगे। नीचे की साइड से आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, स्टॉप लॉस क्लियरली यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे हम लोगों को क्लियरली देखने को मिल रहा है। इस ट्रेंड लाइन से स्टॉक ने आपको सपोर्ट लेना स्टार्ट किया है, तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे वीकली कैंडल क्लोज नहीं देता है, हम लोग यहाँ पे एग्जिट नहीं करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है, कंटिन्यू होल्ड करके रख सकते हैं। फ्रेश पोजीशन बनाना है, आप इस लेवल पे बना सकते हैं। या फिर जितने भी लोगों ने ऊपर के लेवल पे से स्टॉक में पोजीशन लिया था, 5000, 5500, 5900, इन सभी लेवल्स पे जितने भी लोगों ने पोजीशन लिया था, वो लोग चाहे तो इस पोजीशन पे अपना पोजीशन को एवरेज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सभी लेवल्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।